नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। ग्रामीण भारत को बदलने और लाखों भारतीयों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना शुरुआत कर दी है। इसके तहत भू संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित करना शुरू हो गया है। ग्रामीण अब भू संपत्ति या वित्तीय संपत्ति के तौर पर उद्योग कर सकेंगे। इस दौरान लगभग 1,00,000 संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर SMS लिंक के जरिए अपनी संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण किया जाएगा। इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि संपत्ति कार्ड मिलने पर आज लाभार्थी सबसे ज्यादा खुश होंगे। आज की शाम उनके लिए खुशियों की शाम है, नए सपने बुनने का समय है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले सत्ता में बैठे लोग बड़े बड़े वादे किया करते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझसे गरीब दलितों के लिए जितना हो सकेगा मैं उनका काम करूंगा। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब का चुनाव आज हुआ संपन्न। आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब का चुनाव आयोजित किया गया। क्लब का चुनाव हर 2 साल में होता है, हालांकि कोरोना के कारण इस साल चुनाव लगभग 6 महीने बाद किया जा रहा था। मतदान की अवधि सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक की थी। चुनाव को लेकर सुबह से ही क्लब के सदस्यों में उत्साह का माहौल देखा गया था। साथ ही क्लब की ओर से भोजन की व्यवस्था किया गया था। इसके अलावा लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी के द्वारा सैनिटाइजर मास्क निःशुल्क वितरित किए गए थे। छेड़खानी का विरोध करने पर सरेआम महिला पर चलाई गई गोली। छेड़खानी का विरोध करने पर एक गृहवधू को घर के सामने गोली मारकर उसे हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हादसे में महिला बाल बाल बच गई। बताया जाता है कि गोली महिला को नहीं लगी और उसके बाद बदमाशों ने उसके साथ मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे। लोगों को अपनी ओर आते देख हमलावर वहां से भाग निकले। कालियाचक थाने के सुजापुर ग्राम पंचायत के ब्रह्मोत्तर गांव में शनिवार दोपहर इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद आतंकित गृहवधू रहीमा खातून ने घटना को लेकर हमलावर अबू बकर और उसके साथियों के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घटना के बाद पीड़िता व उसके परिवार वाले घर द्वार छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। কালকে শুনলাম যে আমি তো ওখানে দু চার দিনে চলে গেছিলাম বলার পর, আমার বক্তব্য বলার পর তারপরে শুনলাম যে প্রথমে একটা ফায়ার যখন বুকে করে তখন ওই ফায়ারটা লাইনি, দ্বিতীয়বার একটা জানালা দিয়ে গুলি করেছে, তারপরে গ্রিল দিয়ে করেছে, তিনখানা পরপর তিনখানা তিন রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। এখন আমরা আতঙ্কগ্রস্ত আছি, যে কোনো মুহূর্তে মার্ডার হয়ে যেতে পারি, তাই আমরা বাড়ি ছেড়ে সব পালিয়ে আসি। এর আগেও বিভিন্ন উত্তক্ত আমাকে বলতো যে বাবা আমাকে ভয় দেখে বারবার প্রেম করতে বলছে, আমার কাছ থেকে ভয় দেখে বিভিন্ন সময় টাকা নিয়েছে, এরকম বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অশ্লীলা করতো, এ কথাই আমাকে বলতো। এখন সেটা গ্রামের মানুষ সেই জন্য একটা সুস্থ সমস্যা সমাধান করার জন্য বসেছিল, কিন্তু তারা সেই বিচারের মধ্যে পরপর তিনজন গুলি চালিয়েছে। আমার আজ অভিযোগ করেছে যেহেতু ওকে বেশি উত্তপ্ত করতো, ওই আসতো আমি এ ব্যাপারে জড়িত থাকার, মানে আমি ওদেরকে বলেছিলাম তোমার ব্যাপার তুমি দেখো, কিন্তু সে অভিযোগ পরপর 2-3 বার করেছে, তার অভিযোগ পত্র তার কাছে আসে। আমি ব্রহ্মত্তরের বাসিন্দা, আমার পাশের ছেলে আবু বাঙ্কার, তার বাবার নাম হচ্ছে বাসিরুদ্দিন শেখ টুলু, সে ছেলেটা দীর্ঘদিন ধরে আমাকে উত্তপ্ত করে, রাস্তাঘাটে নোংরা অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে, আমার ফোন করে, মেসেজ করে, উল্টাপাল্টা ভাষা বলে, আমি সে প্রতিবাদ করতে গেলে আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়, আমার ছেলেকে আমার হাজব্যান্ডকে উল্টাপাল্টা কথা বলে, ওদেরকে মারার হুমকি দেয়, আমার দরজার সামনে হাসুয়া বুজালি পিস্তুল নিয়ে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করে, আমাদেরকে সবসময় ভয় দেখায়, আমার হাজব্যান্ডকে ভয় দেখায়, আমার ছেলেকে ভয় দেখায়। ভয় দেখানোর পরে ওদেরকে রাস্তাঘাটে 2-1 বার ধরারও চেষ্টা করেছে, কিন্তু ওরা কোনো রকমে পালিয়ে গেছে। পালিয়ে যাওয়ার পরে আমি এসব কারণে আমি কালিয়াচক থানায় অভিযোগ করি। অভিযোগ করার কারণে ও আমার বাড়িতে 2 তারিখে সন্ধ্যা 6:30 নাগাদ ও আমার বাড়িতে আমাকে ওর বাবাকে ওর মাকে এক সাইডে দাঁড়িয়ে রেখে, ওর দিদিকে ওর দিদির বরকে এক সাইডে দাঁড়িয়ে রেখে আমার বাড়িতে, ও আমার বাড়ির দরজা খোলা ছিল, আমার হাজব্যান্ড ছিল না, ও ঢুকে যায়। ঢুকে যাওয়ার পরে আমি ওকে কিছু বারণ করতে গেলে আমাকে ও বাড়ি থেকে আমাকে বার করে আমাকে নিয়ে গিয়ে ও আমাকে পিস্তুল দিয়ে আমাকে গুলি করার চেষ্টা করে। গুলি করার চেষ্টা করার ফলে আমি প্রতিবাদ করতে গেলে আমাকে বাড়ি থেকে বের হওয়া আমার বন্ধ করে দেয়।
সেই ক্ষেত্রে আমি কিছু সমাজের মানুষকে জানাই, সমাজের মানুষকে জানানোর পরে কিছু সালিসি সভাতে কিছু লোক আসে, সালিসি হয়, সালিসি হওয়ার পরে আমাকে আমাকে কিছু সালিসে জিজ্ঞেস করে, আমি জিজ্ঞেস করার ফলে আমি কিছু বলি, বলার পরে আমি ওখান থেকে বাড়ি ফিরি। বাড়ি ফেরার সময় আমার দরজার সামনে ওর বাবা মা, আবু বাক্কারের বাবা মা, দিদি ভাই বোন যত, ওর গোটা পরিবার আমাকে ওখানে ধরে আমাকে ওখানে মারধর করে, এমনকি আবু বাক্কার আমাকে ফেলে দিয়ে আমার বুকে পিস্তল লাগিয়ে আমাকে তিনটে গুলি, একটা গুলি প্রথমে মিস ফায়ার হয়েছে, তারপরে দ্বিতীয় গুলিটাও মিস ফায়ার উপরের দিকে মেরেছে, তারপরে আমাকে ওখানে আমার গ্রামের পাড়ার মানুষ আমাকে ধাক্কা দিয়ে আমার দরজার সামনে আমাকে ঢুকিয়ে দেয়। ঢুকিয়ে দেওয়ার ফলে আবু বাক্কার আবার আমার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে, জানলার ফাঁক দিয়ে আমি দরজা লাগিয়ে ভিতরে থাকি, জানলা খুলে আবার ও আমাকে গুলি মারে, সে গুলিটা আবার আমি সেখান থেকেও আমি বেঁচে যাই, গুলিটা সে জানলা দিয়ে মেরেছে। মারার পরে আমি কালিয়াচক থানায় অভিযোগ করেছি, অভিযোগ করার পরে ও আমাকে এখন হুমকি দিচ্ছে যে কেস তোলার, আমাকে হুমকি দিচ্ছে যে আমি কেসটা তুলবো কি না, আবার আমার প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। তার জন্য আমি কালিয়াচক থানার পুলিশ সুপারকে জানাই যে আমাকে, আমার হাজব্যান্ডকে, আমার ছেলেকে, আমাদেরকে যেন একটা ভালো একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, যেন আমরা প্রাণনাশের আমাদের হুমকি যেন না দিতে পারে, বা আমরা একটা কোনো একটা তার বিচার চাই। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की चेतावनी, अगर त्योहारों में लापरवाही की तो देश में विकराल हो जाएगा कोरोना संक्रमण। देश में त्योहारों का मौसम अब काफी करीब पहुंच चुका है। अगले हफ्ते से नवरात्र की शुरुआत होने के साथ त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में दशहरा, धनतेरस और दिवाली जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं, जिसमें लोग बाजार करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, छठ जैसे त्योहारों को देखते हुए देश में कोरोना के मामलों में उछाल आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। ऐसी आशंका के मद्देनजर देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज जनता से संवाद किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज लोगों को त्योहारों के मौसम में कोरोना से बचाव के तरीके समझाए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह त्योहारों के मौसम में ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरते, अन्यथा कोरोना फिर से विकराल हो जाएगा। सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ संडे संवाद प्लेटफॉर्म पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने त्योहारों के मौसम में कोरोना से कैसे बचे, इसको लेकर बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आप इसे मेरी चेतावनी समझ ले या फिर सलाह, लेकिन अगर त्योहारों के दौरान हमने लापरवाही की तो कोरोना फिर से विकराल हो जाएगा। उन्होंने जनता से ये भी कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए हमें पीएम मोदी के जन आंदोलन को गंभीरता से लेना होगा। चंदा के नाम पर घर में घुसकर बदमाशों ने लूटे 11 लाख रुपए। अलीपुरद्वार जिले में दुर्गा पूजा के चंदा लेने के बहाने बदमाशों के एक दल ने घर में घुसकर जमकर लूटपाट मचाया। जिले के फलकट्टा के योगेंद्रपुर सोनारधाम इलाके में कल रात इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 8 बजे योगेंद्रपुर सोनारधाम इलाके के परिमल सरकार नामक एक व्यक्ति के घर में पूजा का चंदा लेने के नाम पर कुछ बदमाश घुसे और गृहवधू के मुंह पर रुमाल बांधकर धारदार हथियार के बल पर उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देते हुए 11 लाख रुपए लूट लिए। इधर लूटपाट की खबर मिलते ही फलकट्टा थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पूजा से ठीक पहले इस तरह की लूटपाट की घटना सामने आने के बाद इलाके के लोग आतंकित है। টিভি দেখার পরে আমার ছেলে ওই ঘরে গান শুনতেছে মোবাইলে, আমরা দু আমি আর আমার ছেলে বাড়িতে, তখন সাড়ে ছয়টা পৌনে সাতটার দিকে একজন এসে ডাকতেছে, পরিমলদা আমি বলছি বাড়ি নাই, ফালাকাটা গেছে, কয় একটু আমরা চাতার বিষয়ে আসছি, একটু গেটটা খুলবেন। গেট খুলছি, খোলার পর পিছন দিয়ে ওরা আমার মুখ বাঁধে ফেলছে, মা বাঁধ দিয়ে ওদিক দিয়ে মেইন সুইচটা অফ করে দিছে। পরে যে ঘরে গিয়ে আমার একজন ওইদিকে দৌড়ায় গেছে, যাই গেটের সামনে দাঁড়াইছে, আর একজন এদিকে গেট লাগাই দিছে। লাগা দেওয়ার পরে আমার যায় একজনে একটা ড্যাগার ধরছে, ওরা টাকা দিতে, আমি সে টাকা তো নাই, পরে আমি গোদরেজ খুলে 1 লাখ টাকা ছিল ওইটা নিচ্ছে, পরে ওরা ওই যে যে একটা যে নস্র নিয়ে আমার উপরে ধরছিল ওইটা দিয়ে বক্স খাট বিছনাটা উল্টায় ফেলা দিছে, দিয়ে খাটটা খুললে ওইটার ভিতরে টাকার ব্যাগ ছিল, ওখানে 10 লাখ টাকা ছিল। টাকাগুলা নিছে আমার কানের থেকে, কানের গুলা নিছে, নিয়ে যাওয়ার সময় আমার এনে একটা লাঠি মেরে ফেলায় দিয়া শাখা টাকা সবকিছু ভাঙে গেছে, দিয়ে ওরা চলে গেছে। আমি লুক চিনি নাই, মুখে মাস্ক ছিল, গামছা দিয়ে বান্ধা ছিল, আর একটা মুখে কালো কাপড় ছিল।
তিনজনটা আমি দেখছি। আমি তিনজনের বাড়িতে ঢুকতে দেখছি, এখন কি বাইরে আরো ছিল না না ছিল আমি জানি না, আমি তিনজনে দেখছি বাড়িতে ঢুকছে। আলুর টাকা আমরা দুইজনে, দুই ভাইয়ের আলুর টাকা আমরা ইসে যুগণ্ডপুরের মধ্যে আমরা আলু দাবারটা আর কি বেশি করে, তো এবার আলুর দাম বেশি, আলুর টাকা 11 লাখ টাকা রাখা হয়েছে। रायगंज में महिला मूर्तिकार अर्पिता पाल की मूर्तियां आ रही है लोगों को काफी पसंद। अधिकतर देखा जाता है कि पुरुष मूर्तिकार ही माँ दुर्गा, माँ काली सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण करते हैं, किंतु रायगंज के कुम्हार टोली में अर्पिता पाल एक ऐसी महिला मूर्तिकार है जो काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है। उनके द्वारा बनाई गई माँ दुर्गा की प्रतिमाएं कई बड़े दुर्गा पूजा पंडालों में स्थापित हो चुकी है और श्रद्धालुओं के द्वारा इसकी खूब प्रशंसा भी की जा चुकी है। दरअसल अर्पिता पाल की शादी 1994 में गणेश पाल के साथ हुई थी, लेकिन 2015 में अचानक से गणेश पाल की मौत हो गई। उसके बाद उनके बेटे और बेटियों का पोषण और घर संसार चलाने की जिम्मेदारी उन पर आ गई। दूसरा कोई व्यवसाय नहीं होने के कारण उन्होंने मूर्तियों को बनाना शुरू कर दिया। मूर्तियों के निर्माण कर वह अपना संसार चलाती है। করছে, তারপরে এগুলো শিখে ওনার সঙ্গে থাকতে সংসার করতে করতে এগুলো এগুলো শিখছি, সংসারের ওগুলো ছেড়ে এগুলো যাই হোক টুকটাক করছি, করতে করতে শিখে এখন এইটাই আর কি। উনি থাকতেও করছি, উনি আবার ওনার তো ইয়ে ছিল, সুগার ছিল, কিডনি পেশেন্ট, তারপরে উনি এক্সপায়ার হওয়ার পরে ওই বিজনেসটা আমি এইভাবেই লোকজন দিয়ে আর কি চালাচ্ছি। মোটামুটি সবই পারি ছেলেবেলা, আর এই চোখটা খালি একটু আমার ইয়ে হয়, তাছাড়া মোটামুটি সবই আমি করি। আর বানানোটা তো লোকজন দিয়ে বানিয়ে নিই, আর কলকাতার এগুলো সব তোলা মুখ টুক এগুলো তুলে এগুলো নিজেই করি, আর সামলাতে তো হবেই, নাহলে কী করে চলবো। এখন এটার উপরেই নির্ভর, এটা আর আমি কাজটাকে ভালোবাসি, সত্যি কথা এই কাজটা আমার ভালো লাগে। আমি বিয়ের পর থেকেই করছি, তারপরে এইগুলো করছি, আর এর মধ্যেই ওদিকেও একটু যাই হোক যেভাবেই হোক রান্না বান্না ওগুলো সেরে কাজ ওদিকে সামনে আসে, এদিকে আবার করছে, লোকজন আছে, লোকজন দিয়ে ওদেরকে নিয়ে করছি, সামলাই নিচ্ছে। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अप्लाई फॉर 3-ईयर AICTE अप्रूव्ड एंड MBA एक्रेडिटेड कोर्सेज डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एडवांस्ड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड इन इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री, सेपरेट होस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, स्कॉलरशिप शैल बी प्रोवाइडेड फॉर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, क्लासेस शैल स्टार्ट फ्रॉम 6 अक्टूबर 2020। Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. COVID से हो गए हैं tenth? दिल demands a change. सही नहीं दूर घूमने जाने को, short tour सही दिल बहलाने को. Summit Hotel Darjeeling और Kalimpong पूरी COVID safety के साथ आपका personalized tour offer करता, good rooms, good food, discount price और क्या चाहिए दिल बहलाने को. Contact number 9193208031, WhatsApp call 8388778788 for call। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्रीश्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्रीश्याम फार्म हाउस विला फूलबारी, कॉन्टेक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जीन्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता, विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, सेकंड फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 8348888881 या 9832495328। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। के लिए SK Live ही बेस्ट ऑप्शन है। SK Live का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन,
एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नगरपालिका प्रशासनिक बोर्ड के खिलाफ कांग्रेस वाम मोर्चा नेताओं ने दिया धरना। इलाके में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने का आरोप। जलपाईगुड़ी नगरपालिका इलाके में नागरिक सुविधा उपलब्ध नहीं कराए जाने का आरोप लगाते हुए वाम मोर्चा व कांग्रेसी समर्थकों ने रविवार को नगरपालिका प्रशासनिक बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दोनों राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने आरोप लगाया नगरपालिका इलाके में सही तरीके से नागरिक सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसके साथ दोनों पार्टियों ने नगरपालिका के प्रशासनिक बोर्ड के अलोकतांत्रिक गतिविधियों में शामिल रहने का भी आरोप लगाया। इसके खिलाफ आज शहर के 8 स्थानों में कांग्रेसी वाम मोर्चा समर्थकों ने धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही आज नगरपालिका के प्रशासनिक बोर्ड के खिलाफ जलपाईगुड़ी जिला कांग्रेस कार्यालय में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन भी आयोजित की गई थी। संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेता पिनाकी सेन गुप्ता ने बताया कि नगरपालिका प्रशासनिक बोर्ड न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम रहा है। वहीं विपुल सान्याल ने बताया कि इलाके के लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है। इसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हालत रहा तो भविष्य में और जोरदार आंदोलन किया जाएगा। যে পাঁচজন চেয়ারপার্সন জলপাইগুড়ি পৌরসভার দায়িত্বে রয়েছেন তারা পাঁচজনই হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় লোক। স্বাভাবিক কারণে তাদের কাজকর্মের যে দৃষ্টিভঙ্গি বড় অদ্ভুত। তারা দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য বিরোধী দলের যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে বামফ্রন্ট এবং জাতীয় কংগ্রেসে সেই সমস্ত জায়গায় যাতে মানুষজন আরো খেপে যায় যতটুকু যৎকিঞ্চিত কাজ হচ্ছে বিরোধী দলের যে ওয়ার্ডগুলো সেই জায়গাটা একেবারে বন্ধ কাজ। আর ওরা এদিকে সেই ওয়ার্ডে ওদের যাদের দলীয় লোকজন আছে তাদেরকে দিয়ে মানুষকে খেপিয়ে তোলার একটা চেষ্টা করছেন, এটা ওদের দলীয় ব্যাপার করতেই পারে। কিন্তু সার্বিকভাবে আমরা যখন দেখছি যে পৌর প্রশাসনকে জেলা প্রশাসনকে মহকুমা শাসককে বলেও যখন শুরু হওয়া হচ্ছে না, বাধ্য হয়ে হচ্ছে আমরা শহরবাসীর কাছে সমস্যাগুলো আমরা তুলে ধরার জন্যই আমরা আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। পথসভা থেকে মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিব এবং আমরা কেন গিয়েছিলাম এবং আমরা জলপাইগুড়ির মানুষের জন্য কি চাই এবং কিভাবে জলপাইগুড়ির মানুষ পৌর পরিষেবা থেকে ডিপ্রাইভ হচ্ছে এবং কি কিভাবে দুর্নীতি চলছে, প্যারালালি দুর্নীতি চলছে, সেই সবটাই মানুষের সামনে তুলে ধরার সময় হয়েছে বলেই আমরা আগামী 4 দিন অর্থাৎ 12-15 তারিখ পর্যন্ত এই 4 দিন শহরের 8টি প্রাণকেন্দ্রে যৌথভাবে সভা করব। সেটা মূলত জলপাইগুড়ি শহর কেন্দ্রিক। 6 বছর ধরে বা 6 বছর আগে মানুষকে যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষের রায়ের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করে জলপাইগুড়ি পৌরসভায় তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছিল, আমরা দেখতে পেলাম যে দিনের পর দিন নাগরিক পরিষেবার বিষয়টা একদম তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। फोटोग्राफिक एसोसिएशन की द्वितीय महासभा संपन्न, वरिष्ठ छायाकारों को किया गया सम्मानित। फोटोग्राफिक एसोसिएशन की द्वितीय महासभा के अवसर पर रविवार को एक क्षेत्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 5 वरिष्ठ छायाकारों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही संगठन की ओर से कोरोना योद्धा के रूप में नगर पालिका के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य सैकत चक्रवर्ती को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। जलपाईगुड़ी के यूरोपीय क्लब में आयोजित इस सभा में वरिष्ठ छायाकार सौमित्र बसक, रसिक रॉय, शभु दास, चंदन चौधरी व देवशीष रॉय को सम्मानित किया गया। फोटोग्राफी एसोसिएशन के अध्यक्ष मनावेश चक्रवर्ती ने आज कार्यक्रम के दौरान छायाकारों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की ओर से कुछ विशेष कदम उठाने की मांग को लेकर नगरपालिका के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य सैकत चक्रवर्ती को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। अनुदान माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय प्रत्येक पुजो कमिटी के 50,000 टाका खुबी कृतज्ञ এবং পুজোটা আলিপুরদ্বারে ভালো করে হোক। এই প্রসঙ্গে আমি একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে চন্দননগরের থেকে আলিপুরদুয়ারে লাইটিং হয় সেই আলোকসজ্জার জন্যে অনেক ক্লাবই কিন্তু এবার পুলিশ প্রশাসন এবং আমাদের সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের একটু কড়াকড়ির জন্যে অনেকেই করতে পারছিলেন না, এরকম একটা ক্লাব কর্তৃপক্ষ থেকে বক্তব্য শোনা যাচ্ছে।
আজকে আমি সভাতেই প্রস্তাব দিই এবং আমাদের মাননীয় পুলিশ সুপার সেটা অ্যাপ্রুভ করেন এবং তিনি বলেছেন যে যেভাবে প্রত্যেক বছর আলোকসজ্জা হয় ঠিক একই রকমভাবেই হবে। পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে যে বিধি নিষেধ আসে সেটাকে তারা আইনগতভাবে এটা ঠিকঠাক করে নেবেন, কোনো অসুবিধা হওয়ার ব্যাপার নেই। তো পুজো খুব নির্বিঘ্ন হবে এবং সবাই এবার আলোকসজ্জা আনন্দ করুক। না আমার এটাই সাজেশন ছিল যে যাতে পুজো ভালো হয়ে 50,000 টাকা করে একটি পুজো কমিটিকে দেওয়া, অনেক পুজো কমিটিরই কিন্তু এবার চাঁদা তোলার মতন পরিস্থিতি ছিল না, তো সেখানে মানুষেরও কষ্ট, সেই জায়গায় তাকে এটা দেওয়া মানে খুবই এটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেব। निखिलबंग प्राथमिक शिक्षा समिति ने अपमान पीड़ितों की आर्थिक मदद की। वामपंथी शिक्षक संगठन निखिलबंग प्राथमिक शिक्षा समिति के सदस्यों ने रविवार को चक्रवर्ती अपमान तूफान प्रभावित लोगों की आर्थिक सहायता प्रदान की। वामपंथी नेताओं ने अपमान पीड़ितों को 10,000 रुपये का चेक प्रदान किया। CPM के जलपाईगुड़ी जिला कमेटी के नेताओं ने साथ बैठक करने यहाँ पहुंचे पार्टी के राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्रा ने अपमान पीड़ितों को यह चेक सौंपा। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले राज्य में आए चक्रवर्ती तूफान अपमान से लाखों लोग प्रभावित हुए थे। सबसे अधिक सुंदरवन व उसके आसपास के इलाकों के लोग ऐसे प्रभावित हुए। चक्रवर्ती तूफान में इन लोगों ने अपना घर समेत सब कुछ खो दिया। वामपंथी शिक्षक संगठन के सदस्यों ने कहा कि अपमान पीड़ितों की मदद के लिए संगठन की ओर से आर्थिक मदद की जा रही है। इस अवसर पर CPM पार्टी के जलपाईगुड़ी जिला कमेटी के सचिव सलील आचार्य, निखिलबंग प्राथमिक शिक्षा समिति सचिव वल्लभ झा समेत संगठन के अन्य सदस्य मौजूद थे। ত্রাণ তহবিল আছে আমফানকে কেন্দ্র করে, সেই তহবিলে জেলাগতভাবে পার্টির তরফ থেকে আমাদের সংগৃহীত ত্রাণ আমরা আগে পাঠিয়েছি। আমি শিক্ষক সংগঠন, সেই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তারা আজকে 10,000 টাকা সূর্যোদয়ের হাতে আমফান ত্রাণ তহবিলের জন্যে এখন তুলে দেবেন। আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন মাসরুম স্যার। कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी। ब्राजील में मौतों का आंकड़ा 1.50 लाख के पार पहुंचा। यूरोप के 4 देशों में संक्रमण के मामले बढ़े। दुनिया में अब तक 3.74 करोड़ केसेस सामने। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3.74 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,81,11,421 से ज्यादा हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 10.77 लाख के पार पहुंच चुका है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोनावायरस के मुताबिक है। ब्राजील में शनिवार को 559 संक्रमितों की जान गई। इसके साथ ही देश में मरने वालों का आंकड़ा 1,50,198 पहुंच चुका है। अमेरिका के बाद ब्राजील दुनिया का सबसे दूसरा ऐसा देश है जहां संक्रमण से अब तक 1.50 लाख मौतें हो चुकी है। बीते 24 घंटे में देश में संक्रमण के 26,749 मामले सामने आए। अब तक देश में 50.08 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमण के मामलों में ब्राजील अमेरिका और भारत के बाद दूसरे नंबर पर है। यूरोप में संक्रमण की दूसरी लहर के तहत अब तक 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ब्रिटेन, रूस, स्पेन और फ्रांस इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार सोमवार को नए प्रतिबंधों का ऐलान कर सकती है। देश में कोरोना से ठीक हुए 60 लाख से अधिक मरीज। एक दिन में सामने आए संक्रमण के 74,383 नए मामले। भारत में कोरोना वायरस के मामले 70 लाख को पार कर गए हैं। वहीं इस वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 60 लाख से अधिक हो चुकी है। हालांकि देश में COVID-19 के दैनिक मामलों में आज इजाफा देखने को मिला है। रविवार को संक्रमण के 74,000 से अधिक मामले रिपोर्ट किए गए। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से सक्रिय मामलों की संख्या में हर दिन गिरावट देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 74,383 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस दौरान देश में 918 मरीजों की इस खतरनाक वायरस से मौतें भी हुई। आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 70,53,807 पहुंच चुकी है। वहीं देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 8,64,496 है। इसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं COVID-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 60,77,977 पहुंच चुकी है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि भारत कोरोना के खिलाफ जल्द ही जंग जीत सकता है। दूसरी तरफ इस वायरस से कुल 1,08,334 लोगों की मौतें हो चुकी है।
ममता बनर्जी व राज्यपाल में फिर उभरी तल्खियां। गवर्नर बोले, बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति भयावहक। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राज्य के कानून एवं व्यवस्था की भयावह स्थिति के बारे में तत्काल आधार पर उन्हें जानकारी देने को कहा। इस बारे में शनिवार की रात तक सचिवालय की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिए जाने को धनखड़ ने इसे राज्य सरकार का गैर जिम्मेदार रुख करार दिया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया, मेरे निर्देशों के बारे में ममता बनर्जी के कार्यालय को सूचित किया गया था कि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में कानून एवं व्यवस्था की विकट एवं विस्फोटक स्थिति के बारे में मुझे तत्काल जानकारी दे। मुख्य सचिव को दोपहर 2 बजे तक जवाब देने का निर्देश दिया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव की ओर से शाम तक कोई जवाब नहीं मिलने पर राज्यपाल ने ट्वीट किया, दुर्भाग्य से मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई उत्तर नहीं दिया गया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर पहले भी सवाल उठाए हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यालय से उस पर जवाब मांग चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत, और देखते रहिए SK Live, आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।